हाय फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं स्पाइसी पास्ता जो कि घर पे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हमें इन सामग्रियों की ज़रूरत है। 100 ग्राम पास्ता लिया है हमने, एक बड़ा कटा हुआ प्याज, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 8 से 10 लहसुन की कली और एक शिमला मिर्च है। ये मैं 3 लोगों के अकॉर्डिंग पास्ता बना रही हूँ। एक बड़ा टमाटर हमने बारीक कटा हुआ लिया है, काली मिर्च पाउडर लिया है 1/2 स्पून और स्वाद अनुसार हम नमक ले रहे हैं, और हम इसमें रेड चिली सॉस ऐड करेंगे, पास्ता मसाला, पास्ता बॉईल होने के लिए हमने पैन के अंदर पानी डाला है। यहाँ पे हम 5 कप पानी देंगे। पानी में बॉईल आने पे ही आप पास्ता उसमें डालिएगा। पानी के अंदर हम नमक ऐड करेंगे। इसमें 8 से 10 ड्रॉप हम तेल की डालेंगे। पानी के अंदर बॉईल आने पे हम इसमें पास्ता डालेंगे। पास्ता 2 से 3 मिनट में बॉईल हो जाता है। आप इसको बाहर निकाल के चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा पास्ता अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हमें इसे छन्नी से छान लिया है। तेल डालने से हमारा पास्ता आपस में चिपका नहीं। अब तड़का लगाने के लिए हम पैन में तेल डालेंगे। इसमें बारीक चॉप किया हुआ लहसुन मिक्स करेंगे ऑयल में। अब बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अब बारीक कटा हुआ प्याज, अच्छे से मिक्स करते हुए प्याज को ज्यादा भूनना नहीं है और गैस का लो हाई पे रखना है। ये देखिए, हमारा प्याज ठीक थोड़ा भून गया है। अब हम इसमें कैप्सिकम ऐड करेंगे, हरी शिमला मिर्च, अच्छे से भूनते हुए। अब हमारा जो कटा हुआ टमाटर था, ये हम इसमें तड़के में ऐड करेंगे। अब हम इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1/2 स्पून। हाफ स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, आपको जिस स्वाद में सुटेबल हो। अच्छे से तड़के को मिक्स करते हुए अब हम रेड चिली सॉस 2 स्पून डालेंगे। ये तो तीखे, आपको जैसा तीखा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप इस प्रोसेस से सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा तड़का बन के रेडी है। अब हमने इसमें पास्ता डाला है। पास्ता ये अच्छे से डल रहा है, ये आपस में चिपका नहीं है, क्योंकि इसमें बॉईल करते समय हमने इसमें तेल छोड़ा हुआ था। ये देखिए, पास्ता अच्छे से तड़के के अंदर मिक्स करेंगे, और जब ये पास्ता मिक्स हो जाएगा तो हमें आपको दिखाएगा पास्ता मसाला ऊपर से ऐड करेंगे।
जो कि इसके स्वाद को और भी अच्छा कर दे बढ़ा देगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा पास्ता बनके रेडी है। कितना सुंदर कलरफुल दिख रहा है और स्वाद में भी बड़ा ही लाजवाब है। आप भी खाइए और अपने घर पे अपनी फैमिली को भी खिलाइएगा। गर्मा गर्म पास्ता बनके रेडी है। प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए हमारा गर्मा गर्म पास्ता बनके रेडी है। पास्ते का लुत्फ़ तो उठाइए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।